called as cervix. So when we closely look at it, so this is a cervix, this is the endometrial cavity and this. अब ये दीवार है, यहाँ फाइब्रॉइड होता है, ये जो लाइनिंग है ये एंडोमेट्रियम है, और इसका जो माउथ है, टिप है, इसे कहते हैं सर्विक्स. सो इफ दिस पार्ट गेट्स अफेक्टेड बाय कैंसर, इट्स कॉल्ड अ सर्वाइकल कैंसर. नाउ व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दिस पार्ट? बिकॉज वन ऑफ द कॉमनेस्ट एरिया इन वुमेन विच कैन कॉज कैंसर, दैट इज सर्वाइकल कैंसर. बिसाइड्स ब्रेस्ट, ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर आर टू ऑफ द कॉमनेस्ट प्लेसेस ऑफ कैंसर इन वुमेन. सो अगर ये दो एरिया के ऊपर हमने फोकस किया तो ऑलमोस्ट 30-40% ऑफ वुमेन विल नॉट डाई ऑफ कैंसर. So how severe it could be, I mean, and how it gets diagnosed? Okay, so let me tell you about the cervical cancer. So cervical cancer basically is caused by a virus called human papilloma virus, HPV. Okay. Human papilloma virus. Ab ye jo human papilloma virus hai na, uski khasiyat hai. Okay, it is not necessary ki agar wo infect karega to sare ke sare janon ko cancer hoga. ठीक है. एंड हाउ कॉमन इज दिस वायरस? इनफैक्ट देयर वाज अ स्टेटमेंट व्हिच हैड कम फ्रॉम द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, सेड दैट ऑलमोस्ट एवरी वुमन हु हैज बीन सेक्सुअली एक्टिव और एवरी मेल हु हैज बीन सेक्सुअली एक्टिव हैज बीन एक्सपोज्ड टू दिस वायरस एटलीस्ट वन टाइम इन देयर लाइफ. मतलब इतना कॉमन, मतलब इट इज गोइंग टू बी वेरी कॉमन. सो क्वेश्चन ये है कि हर इंसान को तो कैंसर नहीं होता है. सो देयर विल बी सम ऑफ द पीपल हु विल गेट इन्फेक्टेड विद एचपीवी वायरस विल हैव वॉर्ट्स, या मस्से बोलते हैं ना, जैसे गले में होते हैं, प्राइवेट पार्ट्स में होते हैं, वैसे मस्से, छोटे छोटे मस्से प्राइवेट पार्ट्स में होते हैं. And that's called as warts. So some may have warts, some may have some other lesions, and some may have early changes at the mouth of the cervix. And this early changes, okay, actually can gradually develop into a cancer at a later stage. So HPV infection होने से लेके actual cancer होने में बहुत साल लग जाते हैं. It can be many, many years. Okay, ऐसा नहीं कि आज cancer हुआ, जैसे COVID आज infection लगा, कल हम party में गए, आज COVID हो गया और सर्दी हो गई परसों. नहीं, that is not the way this works. This works. This takes years. Okay, so कई सालों बाद. So now this is the catch here. मतलब a woman may have got this infection which has led to problem in the cervical lining, which has led to cancer, but she'll never know that she has it because it is going to be there for years in her body. Now second issue, आपने पूछा कि symptoms क्या होते हैं? ठीक है. Now I'm going to tell you the symptoms. Now listen to this very carefully. Yeah? Don't get psyched out. Okay. Number one, the symptom of what cervical cancer is white discharge. ठीक है. सफेद पानी आना, कभी-कभी foul smelling discharge जाना. थोड़ा सा बैकएक हो सकता है, कभी कभी हीमोग्लोबिन लो हो सकता है, कभी कभी ब्लीडिंग होती है इन बिटवीन मेंसेस, दो साइकिल के बीच में, या पोस्ट कॉइटल यानी कि संबंध आने के बाद में स्पॉटिंग. सो ये जो सारे सिम्टम्स जो मैं बता रहा हूँ, मतलब ये इतने कॉमन है कि घबराओ मत. आप सोच गया, ये तो मुझे भी कभी कभी हो चुका है. सो एवरी वुमन विल हैव वन ऑफ दी सिम्टम्स सम टाइम और द अदर इन देयर लाइफ. दैट डजंट मीन दैट शी हैज गॉट सर्वाइकल कैंसर. बट मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि इवन विद द सिंपल सिम्टम्स लाइक दीज, द वुमन मे बी एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम कैंसर. सो अनलाइक अदर डिजीज, जहां हम सोचते हैं कि भाई कोविड, सर्दी, जुखाम, बुखार, और उसके बाद में अगर स्मेल और टेस्ट चला जा रहा है तो आपने को कोविड है, आपको इमीडिएटली पता चल रहा है. बट यहां यू आर नॉट कमिंग टू नो बिकॉज द सिम्टम्स आर सो सिंपल दैट फॉरगेट यू, इवन द डॉक्टर विल मिस आउट. इफ यू गो टू अ डॉक्टर एंड से मुझे व्हाइट डिस्चार्ज, डॉक्टर इज नॉट गोइंग टू थिंक ऑफ कैंसर. द डॉक्टर विल थिंक या इट मस्ट बी इन्फेक्शन, सो लेट्स टैकल इट. सो दैट, एंड द डॉक्टर इज राइट बिकॉज इट्स नॉट सो कॉमन. सो इन सिंपल वर्ड्स, द सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ सर्वाइकल कैंसर are so silly and simple that it may be missed. So you cannot wait for the symptoms to come to diagnose. So moral of the story is, ye cancer hone tak intezar nahi karna hai, ye cancer ko prevent karne ki strategies apnani hai, aur cancer screening test karna hai, jisse ki aapko pehle pata chal jaye ki cancer hone ki sambhavna hai ya nahi. Over to you. Okay. So as you spoke about prevention, can you just tell us what all we can do to prevent this cancer? Because something very common and very minute thing, it can be missed out. So before we reach that stage, how do we prevent it? So I was made to believe that Gen X parenting is a very interesting platform jahan par kafi professional parents are there. So I always say, when as a professional you always work in an organization, or whether you are working in hospital or whether you are working in a investment consultancy firm, koi bhi complication ya problem hona hai ya process protocol oriented company hai, तो प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शरी प्रिवेंशन. प्राइमरी प्रिवेंशन, प्रॉब्लम होने ही मत दो. सेकेंडरी प्रिवेंशन, अगर प्रॉब्लम हो गई तो जल्दी जल्दी पिकअप करो, अर्ली डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट. टर्शरी प्रिवेंशन मतलब कॉम्प्लिकेशन हो गया, प्रॉब्लम हो गया, आप उसको फायर फाइटिंग करो, ट्रबल शूटिंग करो. राइट, सेम थिंग कम्स विद सर्वाइकल कैंसर. फर्स्ट थिंग इज प्राइमरी प्रिवेंशन, प्रॉब्लम होने ही मत दो. मतलब एचपीवी का इन्फेक्शन होने ही मत दो. मतलब एचपीवी इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए आप वैक्सीन ले लो. सो दैट इज प्राइमरी प्रिवेंशन. ओके, secondary prevention means if it is there that HPV infection has happened, then you need to have strategies to detect it early and pick it up early.
एंड दैट इज स्क्रीनिंग टेस्ट. स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब पैप स्मियर और एचपीवी स्क्रीनिंग. तो ये दो चीज करो तो आपका सेकेंडरी प्रिवेंशन हो गया. टर्शरी प्रिवेंशन जब आप एनुअल गायनेक चेकअप के लिए जाते हैं, रेगुलर चेकअप कराते हैं, अगर आपको कोई सिम्टम्स आ गया, कोई कॉम्प्लिकेशन आ गया, पोस्ट पोस्टपार्टल ब्लीडिंग हो गई, इरेगुलर यू नो स्पॉटिंग ब्लीडिंग हो रही है, या मेनोपॉज के आसपास की एज आ गई है और आपको इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, सो देन यू हैव टू गेट इट डायग्नोज एंड देन यू नीड टू गेट इट ट्रीटेड एट द अर्लीस्ट सो दैट यू डोंट लैंड अप विद मेजर कॉम्प्लिकेशन एंड डाई बिकॉज ऑफ दैट. ओके सो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी. सो लेट्स कम बैक टू द प्राइमरी. प्राइमरी मतलब होने मत दो, यानी कि एचपीवी वायरस आपको आना नहीं चाहिए. और आना नहीं चाहिए उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज है. नंबर वन, अवेयरनेस. अगर आपको मालूम है कि ये प्रॉब्लम है तो आप उसको प्रिवेंट कर सकोगे. नंबर टू इज टेक द वैक्सीन सो दैट यू आर अवॉइडिंग दैट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन. एंड नंबर थ्री इज वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, स्क्रीनिंग, मीनिंग आप रेगुलर स्क्रीनिंग करो. अगर ये तीन चीज फॉलो करो तो आपको काफी अच्छा स्ट्रैटेजी रहेगा आपका टू अवॉइड रिस्क ऑफ लैंडिंग अप विद कैंसर. और इवन इफ यू हैव एन अर्ली कैंसर और प्री कैंसर लीजन तो उसको पिकअप कर लो जिससे कि आपको कॉम्प्लिकेशन ना हो. Okay, so what are the opportunities for us? Because as you said, vaccination or screening, when can we do that? And especially vaccination also, because vaccination is usually considered for the babies. Now, because of COVID, adults are also rushing for it like anything. But otherwise, I'm sure none of us would have come for vaccination. So when can we do this? So ek interesting cheez batata hu, Leena ji. लोग है ना कोविड 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 से इतना खौफ खा रहे हैं, इतना वैक्सीन ले रहे हैं. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम नॉट सेइंग यू शुड नॉट, आई एम सेइंग दैट यू शुड बी टेकिंग द वैक्सीन, यू शुड बी टेकिंग केयर ऑफ वेयरिंग ऑल द कोविड अप्रोप्रिएट मास्क एंड यू नो ऑल दोस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना है. लेकिन आपको पता है नंबर ऑफ पीपल हैव डाइड ऑफ कोविड उससे कई गुना ज्यादा लोग कैंसर से मरते ओवर द इयर्स. सो मतलब आप सोचिए कि आप ये जो दिख रही है एकदम ऐसे आग लगी हुई दिख रही है तो आप घबरा रहे हो, लेकिन जो नहीं दिख रहा है और जिसकी वजह से इतने लोग मर रहे हैं उसके लिए आप केयर नहीं कर रहे हो. सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट दैट आई वांटेड टू थ्रो इन बिफोर इवन आई स्टार्ट अबाउट दैट. नाउ हु कैन टेक दिस वैक्सीन? एवरी गर्ल शुड बी गिवन द वैक्सीन टू प्रिवेंट द कैंसर ऑफ सर्विक्स. बट अब तो एक और एडवांटेज हो गया हमारे देश में इस साल से ना, देयर इज अ एचपीवी वैक्सीन हैज कम व्हिच इज फॉर बोथ बॉयज एज वेल एज गर्ल्स. सो एचपीवी नाम का जो वायरस है उसको प्रिवेंट करने के लिए ये वैक्सीन आती है. सो ये वैक्सीन जो आती है आज अब ये लॉन्च हो चुकी है. सो इवन द बॉयज कैन बी गिवन. सो नॉट जस्ट द सर्वाइकल कैंसर बट द बॉयज कैन ऑल्सो बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम पेनाइल कैंसर, एनल कैंसर. सो औरतों में अगर हम कैंसर का सोचते हैं, सो देर आर आई डोंट नो वेदर आई कैन शो द मॉडल बिकॉज इट विल बी मार्क्ड एज इनअप्रोप्रिएट. सो आई विल नॉट शो द मॉडल. सो जो बिकॉज एवरीपी है ना तो इट गेट्स इनअप्रोप्रिएट. सो जो बाहर का लाइनिंग होता है, बाहर का जो सरफेस होता है योनि के एरिया का बाहर का, दैट्स कॉल्ड एज वल्वा या फिर वजाइना, अंदर का बर्थ कैनाल होता है जो बर्थ पैसेज होता है. सो वजाइनल कैंसर, वल्वल कैंसर भी एचपीवी वायरस से होता है. सर्वाइकल कैंसर तो खैर हमने बात ही कर ली है, हम कर ही रहे हैं थैली के मुंह के कैंसर का. इसके अलावा ये सेम एचपीवी वायरस एनल कैंसर भी करता है, ओरल कैंसर करता है, रेस्पिरेटरी पैपिलोमाइटिस करता है, मेल्स में पेनाइल कैंसर करता है. सो ये बहुत सारे कैंसर एचपीवी वायरस से होते हैं. सो अगर ये वैक्सीन हमने सही समय पर ले ली तो बहुत फर्क पड़ जाता है. ये किसे दिया जाता है? सो जो डेवलप्ड नेशन है वहां तो गवर्नमेंट एडेड रेगुलरली स्कूल बेस्ड प्रोग्राम है कि जब बच्चे स्कूल में ही होते हैं तो उन्हें वैक्सीन लगा दिया जाता है, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल इट स्टार्टेड इन ऑस्ट्रेलिया, द फर्स्ट कंट्री वेयर दे रियली कवर्ड इट वेरी वेल. एंड वहां पर इंसिडेंस ऑफ सर्वाइकल कैंसर एंड इंसिडेंस ऑफ एचपीवी रिलेटेड डिजीजेस झुक करके गिर गई है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट इज कि अगर आपने सही अर्ली एज पे लगा दिया so the chances of immunity is better and chances of landing up HPV virus in the life is also reduced. ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि आगे की एज में आप नहीं ले सकते हैं, बिकॉज फिर मेरे पेशेंट आएंगे डॉक्टर साहब हम तो उस एज के नहीं है, हम तो स्कूल के एज के नहीं है. सो स्कूल एज मतलब 9 to 14 years which is the best time. और उसका एक और फायदा आया, एक और हम इंडियंस है ना, हम बहुत जुगाड़ू होते हैं और फाइनेंशियली प्लान्ड होते हैं. सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग 3 doses अगर 9 to 14 years age group में लेते हैं तो केवल 2 doses of vaccine is enough for the small kids. Okay, that gives them enough immunity. Saving on one dose. Yes, तो एक vaccine का cost बच जाता है. Otherwise, 3 dose का protocol होता है 0, 2, and 6. So coming back to the age. So 9 years to 45 years is the approved age for the quadrivalent and the bivalent vaccines. Okay. ये quadrivalent क्या है? ये bivalent क्या है? आप पूछोगे मुझे. Quadrivalent मतलब 4 virus के खिलाफ, bivalent मतलब 2 virus के खिलाफ. ओके, दो कैंसर कॉजिंग और 4 मतलब 2 cancer causing और 2 wart causing वायरसेस और एक नॉनावेलेंट है. नॉनावेलेंट में 5 और cancer causing ऐड हो गए हैं. सो ये 4 तो है ही हैं, इसके साथ में ये 5 और है. सो ये जो नॉनावेलेंट है, 9-valent वैक्सीन आ गया है. ये 9-valent वैक्सीन इज गिवन फॉर बॉयज एज वेल एज गर्ल्स, वेयर इज द क्वाड्रीवेलेंट हैज बीन गिवन ओनली फॉर द गर्ल्स एंड इट कैन बी गिवन अप टू 45 years of age.
Okay. 9 to 45 is what you can get. Yes. Okay.